नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। तो आज मंगल का व्रत था तो घर में सभी लोग फास्ट करते हैं, इसलिए बहुत कम खाना पीना अपने लिए क्या बनाना। कल मेरा मंडे का था तो मेरे यहाँ ऐसे ही चलता है, हम मंडे करते हैं, बाकी सब ट्यूसडे करते हैं। तो अपने लिए क्या खाना बनाना, तो थोड़ा खिचड़ी उचड़ी बना लिया था। अब सोच रहे हैं, थोड़ा छाछ पीने का मन था तो ढूंढ रहे हैं कि क्या डालें क्या ना डालें। तो अचानक से दिमाग में आया कि आज हम थोड़ा मसाला बना के रख लेते हैं, जिससे परेशानी हमें भी ना हो। अरविंद भैया हैं जो काम करते हैं, तो उनको भी ना प्रॉब्लम हो कि काला नमक कहाँ, हींग कहाँ, जीरा कहाँ। तो चलिए मैं आज आपको दिखाने चल रही हूँ कि मैं छाछ का मसाला तैयार कर रही हूँ, छाछ या मट्ठा जो भी आप लोग बोलते हो। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं गैस ऑन करती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच जीरा ले लिया है। ये देखिए, ये छाछ का मसाला है। इसको आप पराठे में भी, अगर कोई सब्जी नहीं सूखा पराठा बनाए तो इसको नीचे लगा लें, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। देखते हैं, ये देखिए, ये मेरा जीरा तैयार है। अब आप नोट कर लीजिए, आप भी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत फायदेमंद और बहुत टेस्टी मसाला बन के तैयार होगा। अब ये देखिए, मैं सारा सामग्री आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, 2 चम्मच मेरा सौंफ है, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, और ये हो गई मेरी लौंग और काली मिर्च। ये लौंग और काली मिर्च, इसको मैं बहुत हल्का हल्का भून लूंगी। ये हो गया मेरा तेज पत्ता। देखिए गैस तेज है, मसाला मेरा जलने लग गया, कढ़ाई हल्की है। अच्छा देखिए, ये मेरी दालचीनी, अगर आपके पास टुकड़ा हो तो आप टुकड़ा डालिए। गैस को बंद ही कर देते हैं, गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि मसाला जल जाएगा तो फिर बेकार हो जाता है। जल बिल्कुल हल्का गुनगुना होना चाहिए। अब देखिए, ये दालचीनी मेरे पास टुकड़े वाली कम नहीं थी, मैंने पीस के रख लिया, तो ये पीसी रखी, इसको मिला लेंगे। ये मेरा काला नमक है, और ये देखिए, ये मेरी अजवाइन है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन भी डाल दी है। तो देखिए है ना फायदे का। और ये देखिए, ये मेरे कड़ी पत्ते हैं। ये तो कड़ी पत्ता हमारे पास पाउडर है, वो पाउडर डाल देंगे। आप लोग के पास अगर नहीं है तो ये पत्ती सुखा लीजिए और इसको पीस लीजिए। मेरे पास करी पत्ता पिसा हुआ रखा हुआ, मैंने आपको इसकी उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी है। मैंने करी पत्ता धनिया सब कुछ सुखा के रखा हुआ है। तो अब इस मसाले को देखिए, बहुत अच्छी सी महक आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, जो बहुत ज़रूरी है। छाछ का ये मसाला रेडी है, आप बना के रखो और देखने इसको पी के देखो एक बार, इतना स्वादिष्ट लगेगा मट्ठा कि लोग आपसे पूछेंगे कि ये मसाला कहाँ पाया। अब देखिए, अब इसमें आप काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डालें। अब ये मसाला मेरा एक तरह से भून गया, कढ़ाई गर्म थी, तो इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसको हम सिलबट्टे में पीसेंगे, जिससे थोड़ा बिल्कुल बारीक चूर्ण हो, दानेदार हो। तो ये देखिए, अगर हम मिक्सी में पीस लेंगे तो बिल्कुल महीन पाउडर हो जाएगा, तो मिक्सी में हम नहीं पीसेंगे। ये इतनी अच्छी महक अभी उड़ रही है, अब तक महक तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अब आप ये देख लीजिए, ये है मेरा मसाला। ये आपको दिख रहा, पता नहीं कैमरा ठीक से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। ये देखिए, ये छाछ का मसाला है, आप ज़रूर बना के रखें। और दोपहर के टाइम पे छाछ पीना चाहिए, खाना खाने के बाद 1 कप छाछ ज़रूर लें, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद। और सुबह शाम नहीं, सुबह फल का जूस लें और दोपहर में छाछ लें। देखिए गैस मैंने बंद कर दी, अब ये मसाला मेरा, अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। अब इसी में हम इतनी दालचीनी डाल देते हैं। दालचीनी भी शुगर के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब इसको हम सिलौटी पे पीसेंगे और पीस के इसमें हम काला नमक भी डाल देते हैं। ये इलायची है एक, तो मैंने इसमें थोड़ा सा, देखिए कि पांड वाली इलायची यानी छोटी इलायची, ये भी डाल दीजिए, इससे महक आ जाती है, बहुत अच्छी सी महक आएगी। तो अब देखिए मेरा रेडी हो गया मसाला, अब सब कुछ भून गया है। अब इसको हम इसे निकाल लेंगे, नहीं इससे पड़े पड़े ये जल जाएगा। ये इसको पीसते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। ज़्यादा हम महीन नहीं करेंगे, थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखेंगे, जिससे ये आपको दिख रहा होगा, ये सिलबट्टा में पीसे ले रहे हैं। ये देखिए,
ये देखिए बस इसको हम इतना ही महीन पीसेंगे, इससे ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे। अब सिलवट्टी हम रख देते हैं उधर, इसको डिब्बे में भर के रखते हैं, इधर रख दिया। अब ये देखिए ये है मेरा मट्ठा, ये अब इसमें हमने इसको डाला, ये देखिए थोड़ा डालिए क्योंकि काला नमक सफ़ेद नमक सब है इसमें, ये देखिए अरे वाह मट्ठे की महक ही बदल गई है। ये देखिए मेरे पास ये कसूरी मेथी है, ये देखिए ये कड़ी पत्ता है मेरा, ये देखिए ये मेरा पिसा हुआ, मैंने यही वाला डाल लिया, आप चाहो तो ये पत्तियाँ भी आप पीस के डाल सकते हो। तो ये मेरा मट्ठा तैयार है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई मसाला डालने की इसमें ज़रूरत नहीं, वाह बहुत सुंदर। तो आप लोग भी बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।